सो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर के क्रिएटिव मोड को आप कैसे खेल सकते हो, इसमें आपको अनलिमिटेड ग्लोबल कैसे मिलेगी, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना फ्री फायर ओपन करने के बाद में जहां पर आप मैप सेलेक्ट करते हो, आप ये क्रिएटिव मोड जो सिलेक्ट आपको कर लेना है, उसके बाद में इसको आप सोलो खेल सकते हो और जो स्क्वाड भी खेल सकते हो, लेकिन कोई भी खेलो होगा ये सोलो ही, मतलब क्लास स्क्वाड का मैच होने वाला है, लेकिन ये क्राफ्ट लेन के जो मैच होंगे वही यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, मतलब क्राफ्ट लेन के जो मैप होंगे वही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आप देख सकते हो मैंने मैच शुरू कर दिया, और इसमें अगर आप कोई चीज लेते हो, मतलब यहाँ पर आप गन वगैरह लेते हो, ग्लू वगैरह लेते हो, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो। और बेसिकली जिस तरीके से आप क्लैश स्क्वाड मैच खेलते हो उसी तरीके से इसमें खेलना है। मैप अलग अलग आ सकते हैं, वो आपके अलग पे ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा मैप देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर बात निकल कर आती है कि जो चीजें आपको मिलेगी वो अनलिमिटेड होगी, जैसे कि अनलिमिटेड ग्लू वगैरह यहाँ पर आपको मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी। सो गाइज, ये आपके जब आप गेम खेल रहे हो उस वक्त निर्भर करेगा, क्योंकि यहां पर जो मैप है वो कोई सा भी सिलेक्ट हो जाता है, और कोई सा भी मैप में आपको क्या भी मिल सकता है, मतलब नॉर्मल मोड भी देखने को मिल सकता है और जो कस्टम मोड है वो भी देखने को मिल सकता है। कस्टम मोड मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपको अनलिमिटेड ग्लू मिले या फिर ना मिले, ये आपके उस वक्त जब आपने प्ले किया होगा उस वक्त जो आपको मैप मिला है उस पर ही निर्भर करेगा। मतलब कुछ मैप में यहां पर आपको अनलिमिटेड ग्लू वॉल देखने को मिल जाएगी और कुछ मैप में यहां पर आपको अनलिमिटेड ग्लू वॉल नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर ये जो क्रिएटिव मोड है ये किसी का भी मैप आपके सामने आ सकता है। मतलब मैंने अगर कोई मैप बनाया, जैसे कि आपको बताया गया रस जोन के नाम से मैंने आपको यहां पर एक मैप बना के दिया है, अगर वो मैप आपको, मेरा वाला मैप आपको खेलने को मिलेगा तो वहां पर आपको अनलिमिटेड ग्लू वॉल देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने वहां पर अनलिमिटेड ग्लू वॉल यानी कि नो एमओ सिलेक्ट करके, नो लिमिटेड एमओ सिलेक्ट करके रखा है। अभी जिसका मैप होगा उस पर ही निर्भर करेगा कि वो मैप जो आपको मिला है खेलने को, क्योंकि यहां पर कोई भी रेंडम मैप आपको मिलता है तो जो रेंडम मैप आपको मिला है उस मैप में अगर सेटिंग की होगी कि आपको अनलिमिटेड ग्लू वॉल मिले तो अनलिमिटेड ग्लू वॉल आपको मिल जाएगी, अगर सेटिंग नहीं की होगी तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैप हमारे जैसे बंदे ही बनाते हैं। जैसे कि मैंने अपना आप मैप बनाया क्राफ्ट लेन का, तो क्राफ्ट लेन के जितने भी मैप हैं वो कोई भी यहां पर मैप निकल कर आ सकता है। सो गाइज, इस तरीके से ये वाला जो इंटरफेस है आपको समझ में आ गया कि आपको अनलिमिटेड ग्लू वॉल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये वाला जो मेरा मैप है इसमें अनलिमिटेड ग्लू वॉल मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैं फिर से कोई गेम स्टार्ट करता हूं, जैसे कि मैंने ये वाला गेम स्टार्ट किया है और इसमें आप देख सकते हो अनलिमिटेड ग्लू मुझे मिल चुकी है और मैं जो अनलिमिटेड ग्लू का इसमें इस्तेमाल कर सकता हूं। सो गाइज, अभी बात निकल कर आती है कि इसको खेलना कैसे है। जिस तरीके से आप क्लैश स्क्वाड मैच खेलते हो उस तरीके से आपको खेलना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अनलिमिटेड ग्लू वॉल आती है या फिर नहीं आती है ये आपके मैप के ऊपर निर्भर करता है कि आपको मैप कौन सा मिला है। जो आपको मैप मिला है अगर उसके बंदे ने, जिस भी बंदे ने वो मैप बनाया उस मैप में अनलिमिटेड ग्लू वॉल यानी लिमिटेड एमओ को नो करके रखा होगा तो आपको अनलिमिटेड ग्लू मिल जाएगी। अगर यहाँ पर अनलिमिटेड एमओ आपको नहीं मिलती है तो इसका मतलब यह है कि जिसका भी आप मैप खेल रहे हो क्रिएटिव में, ये जो क्रिएटिव मोड है इसमें आपको कोई भी मैप देखने को मिल सकता है, किसी का भी क्राफ्ट लेन का जो डिजाइन किया मैप यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें यहाँ पर आपको अनलिमिटेड ग्लू मिले ना मिले ये उस पर निर्भर करेगा कि मैप के जो सेटिंग है उसमें ये सेटिंग की गई है या फिर नहीं की गई है। आप ये सेटिंग नहीं कर सकते, जिसका मैप है वही सेटिंग कर सकता है। जैसे कि मेरे जो क्राफ्ट लेन का मैप है रस जोन के नाम से, उसमें मैं कर सकता हूँ, मैंने आपको क्राफ्ट लेन का कस्टम बनाना सिखाया था, उसमें सॉरी जो जानकारी थी वो यहाँ पर आपको बताई गई थी कैसे आप अपने मैप में कर सकते हो। सो फाइनली गाइज, आप समझ गए होंगे कि क्राफ्ट लेन का जो यहाँ पर क्रिएटिव वाला मोड आया है इसको आपको कैसे खेलना है, इसमें आपको अनलिमिटेड ग्लू कैसे मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पास में वाले घंटे दबा देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।